अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये तो मेरे चैनल की कैटेगरी से डिफरेंट है, मगर तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सर्दी के मौसम में होने वाले नज़ले ज़ुकाम का एक आसान नुस्खा बताने जा रहा हूँ। यकीन करें कि अगर आप इस नुस्खे को जमा लेते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए आप भी नज़ले ज़ुकाम जैसी बीमारी से महफूज हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना हकीम, अलबत्ता बचपन से लेकर जवानी तक मैं नज़ले ज़ुकाम का एक पेशेंट ज़रूर रहा हूँ। और यूं ही सर्दी के मौसम का आगाज़ होता तो हर मंथ में मुझ पर 2 से 3 बार नज़ले का अटैक हो जाता था, और अगर मैं इसकी कोई मेडिसिन खा लेता तो फिर मेरा नज़ला खुश्क होकर मुझे और भी परेशान करता, मसलन नाक बंद हो जाना या बगलम जैसी मुश्किल का सामना करना मुझे पड़ जाता था। और इसी वजह से बचपन में ही मेरे सर के कुछ बाल भी सफ़ेद हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब मैंने इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लिया है और ये मेरी लाइफ के सर्द मौसम का पहला साल जा रहा है कि जिसमें मुझे एक बार भी नज़ला ज़ुकाम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक ऐसा आसान नुस्खा मिल गया है और वही नुस्खा अब मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। मगर उससे पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको मुश्किल ना लगे तो आपने रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों, जो नज़ले ज़ुकाम का नुस्खा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ना तो आपको किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन खाना पड़ेगी और ना ही आपको घर में इसको तैयार करने के लिए कोई मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि आपने करना क्या है कि जिस वक्त आपको नज़ले ज़ुकाम के तासुरात महसूस हो रहे हों, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम यकदम अटैक नहीं करता बल्कि पहले इसकी कुछ अलामतें ज़ाहिर होती हैं, मसलन हमारा गला ख़राब हो जाता है या फिर हमें छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि अपनी करीबी शॉप पर जाना है और वहाँ से आपने एक पाव चने यानी आपने 250 ग्राम चने खरीदने हैं, और ख़रीद कर आपने घर ले आने हैं। उन चनों को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई मिट्टी का कैंकर आपके मुंह में नहीं जाए, और इसके अलावा इसमें कुछ छिलके होते हैं उनको भी आपने फूंक से साफ़ कर लेना है, और जो छिलके चने के ऊपर होते हैं उनको आपने मसल कर साफ़ नहीं करना बल्कि आपने छिलकों समेत वो चने खा लेने हैं। फिर इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप नज़ले ज़ुकाम जैसी बीमारी से महफूज हो जाएंगी। और फ़र्ज़ करें कि अगर आप पर नज़ले ज़ुकाम का अटैक हो चुका है तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि इसी नुस्खे को 2-3 दिन इस्तेमाल करना है, मसलन आपने 3 दिन तक चने खाने हैं, क्योंकि दोस्तों चने खुश्क होते हैं और ये हमारे जिस्म में जाकर हमारे जिस्म के फालतू पानी को जज़्ब कर लेते हैं और नज़ले ज़ुकाम जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, आप भी इसी नुस्खे को इस्तेमाल करके नज़ले ज़ुकाम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और साथ दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलना ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।